हेलो दोस्तों, आप सब लोग मजे में होंगे। निखिल जानी किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू निखिल जानी किचन। सो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की कुरकुरे डिश। तो ये इसमें बहुत ही कम सामग्री लगने वाली है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं और ये फटाफट बन के रेडी हो जाएगी और आप इसको खाने का मजा भी बहुत आएगा। चाय के साथ आप बरसात के अंदर, बिल्कुल बूंद बूंद बारिश गिर रही है, रिमझिम बारिश गिर रही है और या तो क्लाउडी वेदर है, तो शाम को चाय के साथ या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ चाय के साथ आप इसको खा सकते हो। तो चलिए ये एक बहुत ही एक्सॉटिक डिश हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे को बटर लेना है। ये अमूल बटर मैंने लिया, ये हरा धनिया चला गया इसमें, तो ये दो पाउच मैंने चिली फ्लेक्स का डाल दिया इसमें। इतना सा नमक डालना है, चुटकी भर नमक डालना है इसमें। ये नमक भी चला गया इसमें, मिक्स कर लेना इसको, सभी इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। चलिए चीज को हमारे को डाल देना है इसमें, पूरा चला गया बाउल के अंदर। क्योंकि सिंपल डिश है ना, तो भाई इसमें सिंपल तरीके से बन गया। चिली फ्लेक्स चला गया भैया, हरी मिर्ची चली गई इसमें, चीज में भी नमक होता है, तो बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। देखिए पिंच ऑफ सॉल्ट, एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट चला गया इसमें। काली मिर्च का पाउडर हो गया, डालने के बाद इसको मिक्स करना है हमारे को। इसमें भी थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। तो भाई ये चीज बनके रेडी है, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को ब्रेड लेनी है। देखिए मैंने चार ब्रेड ली है, अब मैं एक एक ब्रेड को कट करूंगा। तो एक एक ब्रेड को मेरे को कट करना है, साइड के हमारे जो है ना, इसके साइड के कॉर्नर्स हमारे को कट करने हैं। ये देखिए इस प्रकार से कट करके हमारे को अलग कर देने का, बिल्कुल हल्के हाथ से करने का, ताकि ज्यादा कट नहीं हो, जितना साइड का पोर्शन है वही कट होना चाहिए। देखिए इसी प्रकार से बाकी चारों को हमारे को कर लेना कट। फिर इसके बाद क्या करने का, इसको थोड़ा सा हमारे को बेल लेने का, हल्के हाथ से इसको इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेने का। अब हमारे को इसमें देखिए बटर हमारे को इसमें स्प्रेड आउट कर लेने का, जरा चीज भर लेने का, ये प्रॉपरली इसमें डाल देने का। और उसके बाद भी आप रोल आउट कर सकते हो। इसको इस प्रकार से कर लिया, इस प्रकार से कर लिया, देखिए ये रोल बन गया हमारा, ये रोल बन के रेडी हो गया। ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ये रोल बन के रेडी हो गया। अब सभी में बटर हमारे को लगा लेना है, जिससे कि बेक करते समय काफ़ी अच्छा क्रिस्पी होगा। ये इस प्रकार से सभी ब्रेड पे हमारे को बटर लगा लेना है। हमारे को इसको 160 डिग्री पे 7 मिनट इसको बेक करना है। 160 डिग्री, आपके पास ओवन है ओवन में करिए, आपके पास एयर फ्रायर है एयर फ्रायर में करिए, पर इसको बेक करना। आपके पास ओटीजी है ओवन टोस्टर ग्रिलर है, तो उसमें भी आप 7 मिनट रखिए और इसको बेक कर सकें। 180 डिग्री पे बेक करना, और 160 डिग्री पे बेक कर रहे हैं तो 10 मिनट बेक करना। इस प्रकार से मैं रख के इसको मैं 180 डिग्री पे इसको मैं करने वाला हूँ। तो छो के छो को मेरे को इस प्रकार से रख लेना है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, देखिए बंद कर दिया मैंने, डिग्री पे मैंने रखा हुआ है इसको। आप देखें 160 डिग्री ये रखा हुआ है, इसको मैं 7 मिनट के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए ये 7 मिनट्स कर दिया मैंने इसको। ये हमारा भाई एयर फ्रायर में हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये चिली चीज ब्रेड रोल हमारा रेडी है और बहुत बढ़िया बना है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर कैसा चीज आया हुआ। आप देखिए कितना चीज इसके अंदर एकदम आया, परफेक्ट चीज जो है। तो ये चिली चीज ब्रेड रोल बन के हमारा रेडी हो गया है। आप इसको घर पे बना सकते हैं फटाफट, ये ब्रेड रोल जो है बन के रेडी हो गया है और आप इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच अगेन।